हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस के स्टडी पॉइंट एंड मैथ क्लोजिया में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आर डी शर्मा का 6.1 का फोर्थ पार्ट। इस फोर्थ पार्ट में जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 45 टू 55 तक। देख लेते हैं क्वेश्चंस की ओर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, ये हमें जो है प्रूव करना है। और प्रूव क्या करना है देख लीजिए, कॉट ए कुसेक ए। तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टेकिंग एल एच एस, क्या कर लेता हूँ मैं एल एच एस ले लेता हूँ। और एल एच एस लेने पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी कॉट ए माइनस कॉस ए, ओके, अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। जब मैं इस पार्ट में देखूंगा तो मैं कॉट को लिखूंगा कॉस अपॉन साइन, ओके, कॉस ए और अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, ओके। यहाँ लिखेंगे कॉस अपॉन साइन कॉस ए, कॉस अपॉन साइन कॉस ए। देखें प्लस का और माइनस का फर्क है केवल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर वाले टर्म से मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया है तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वन अपॉन साइन ए माइनस वन, ओके, ये वाली वैल्यू मिलेगी। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी, मैंने यहाँ से कॉस ए कॉमन लिया तो यहाँ पर मिलेगा वन अपॉन साइन ए प्लस वन, ओके। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब जो वैल्यू बची आप उसे लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो थी कुसेक ए माइनस वन और नीचे वाली जो वैल्यू थी वो थी कुसेक ए प्लस वन। यही आपका आरएचएस है, यही आपका आरएचएस है, यानी कि यही आपको प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, 47, ओके। तो देखिए 47 जब क्वेश्चन देखेंगे तो 47 क्वेश्चन में आपको करना ये है कि हमें ये वाला पार्ट को प्रूव करना है, ठीक है, किससे, इस वाले पार्ट से। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा टेकिंग एल एच एस, क्या किया मैंने एल एच एस को ले लिया है और एल एच एस लेने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये होगी वन प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, ओके, ये वाली वैल्यू होगी। ए कह दीजिए या थीटा कह दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप थीटा कह लीजिए, लिए आपके क्वेश्चन में थीटा है तो मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। वन प्लस कॉस ए मैंने यहाँ पर लिखा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ओके, ये वाली वैल्यू ये मैंने ले लिया। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसमें दो पार्ट मिल रहे हैं, पार्ट ए ये मिल रहा है, पार्ट बी ये मिल रहा है, पार्ट ए ये मिल रहा है, पार्ट बी ये मिल रहा है। मैं करने ये वाला हूँ कि पार्ट ए और पार्ट बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ अपोजिट साइन से, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो मैंने क्या किया यहाँ पर अपोजिट साइन से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो देख लेता हूँ प्लस साइन थीटा, ओके, ये वाली वैल्यू हो गई। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्लस कॉस थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर आप करेंगे क्या, प्रोडक्ट करेंगे वन प्लस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस का, सॉरी प्लस का साइन थीटा, इससे करेंगे। और यहाँ पर भी वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी वन प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, क्या मिलेगा, होल स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलेगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू मिल जाएगी। जब आपने इसे होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू साइन थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ये मिलेगा। अपॉन में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, एक देखिए इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा वन प्लस कॉस थीटा का, सॉरी वन का स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस यहाँ पर टू कॉस थीटा, ये मिल जाएगा आपको इसको आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो। और यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको ये कंडीशन मिलेगी तो यहाँ पर आप इसे भी ओपन कर दीजिए, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर प्लस टू साइन थीटा,
और 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आपको पूरी मिल चुकी है और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये हो गया, इतना पार्ट यहाँ पर आप सॉल्व कर चुके हैं। अब देख लीजिए इसे किस तरीके से इजी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं यहाँ पर जानता हूँ क्या कि इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को अगर मैं देख पाऊँ तो मुझे साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इक्वल टू होता है 1। तो मैंने क्या किया, इन दोनों से 1 को लिखा, 1 के साथ प्लस किया तो ये मिला मुझे 2। क्या मिला? 2 मिल गया, राइट ना। जब मुझे यहाँ पर 2 मिला तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 2 प्लस 2 कॉस थीटा लिख सकता हूँ और प्लस मुझे यहाँ पर है 2 साइन थीटा और यहाँ पर होगा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर देखें सेम फॉर्मेट में आप यहाँ पर देख पाएंगे 1 माइनस आपके सामने है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, तो कॉस स्क्वेयर थीटा होता है तो इसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब आप करेंगे क्या कि देखें यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2 कॉमन लेने पर 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, प्लस 2 साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यू हो गई। अब आप एक ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप लिख लीजिए 2 कॉस थीटा कॉमन तो 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और जैसे ही मैंने यहाँ पर किया 2 कॉमन 1 प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा, और अपॉन में आपका जो वैल्यू आएगा वो रहेगा 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर जो बचेगा वो रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी जो बचेगा वो रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। जो 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यही जो बचेगा वो रहेगा आपका RHS, ओके, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये वाली वैल्यू रहेगी आपकी RHS। इसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखें इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम सबसे पहले टेकिंग LHS करते हैं, और इस क्वेश्चन को देखिए सेकंडों में करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास है प्लस 1, ओके, और यहाँ से मैंने किया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आपको करना ये है, सबसे पहले यहाँ से कॉस से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड करने पर टेन थीटा मिल जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और प्लस ये सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि अभी डिवाइड बाई क्या कर देना आपको, डिवाइड बाई कॉस थीटा, ओके, जब डिवाइड कॉस से कर देंगे तो आपको यहाँ 10 मिलेगा माइनस 1 सेक थीटा मिल जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपने किया 10 थीटा यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर मिलेगा माइनस सेक थीटा, ओके, जब ये वाली बात हो जाएगी तो हम यहाँ इस तरीके से इसे अरेंज कर लेंगे, प्लस सेक थीटा हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 10 थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, 10 थीटा माइनस सेक थीटा से डिवाइड करने वाला हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, दोनों साइड में करने वाला हूँ क्या, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मल्टीप्लाई में ऊपर करूँगा तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 थीटा प्लस सेक थीटा, ओके, ये हो गया, और यहाँ पर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 10 थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो गया। यहाँ पर आप देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 थीटा माइनस सेक थीटा, ये ऊपर का पार्ट हो गया सॉल्व। नीचे का जो पार्ट है उसे देख लेते हैं, नीचे का पार्ट क्या है, नीचे के पार्ट में आपको देखें कि 10 थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और इसका मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है, यानी कि 10 थीटा माइनस सेक थीटा, इसे ऐसे कैसे रखना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे, और अभी क्या करना है आपको, इन दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 10 स्क्वेयर थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा, ओके, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ब्रैकेट माइनस 10 थीटा और माइनस सेक थीटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ ब्रैकेट है, जैसे ही ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो सेक जो है प्लस का हो जाएगा, 10 माइनस का हो जाएगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा और माइनस कॉमन लेने पर मुझे एक आइडेंटिटी मिलती है, सेक स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर यानी कि इज इक्वल टू 1 होता है,
तो मैं उसे करूँगा नेक्स्ट स्टेप में। फिलहाल मैं इस स्टेप को पूरा लिख देता हूँ। ओके चलिए, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये वाली वैल्यू। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, और जैसे ही मैं ब्रैकेट को एक्सपेंड करूँगा तो यहाँ टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके ये वाली बात हो जाएगी। अब आप देख पाएंगे, अब आप क्या देख पाएंगे कि जो हमारे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ये वाली वैल्यू है। तो हमें ये नोमिनेटर में भी यही वाली वैल्यू बना देनी है जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाए। ओके तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, माइनस कॉमन लेने वाला हूँ। माइनस कॉमन लेने पर मुझे एक वैल्यू प्रॉपर मिल जाएगी। क्या वैल्यू मिलेगी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस वन, ये वाली वैल्यू मिल गई। जब ये वाली वैल्यू मिल जाएगी तो देखिए यहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ओके और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब सिंपली आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और यहाँ से माइनस का साइन आप कॉमन लेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो रह जाएगी सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही आपका आरएचएस है, यानी कि आपको यही प्रूव करना था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 का थर्ड पार्ट है। 47 का जब ये थर्ड पार्ट है तो आपको ये सेम करना है, सेम डू इट, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, सेल्फ डू इट करना भाई, सेल्फ। ओके जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका आपको सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी होगा आपकी कमेंट को रिसॉल्व करूंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये सेम क्वेश्चन है इस वजह से मैंने इसे छोड़ दिया है। अभी आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है। देखें सबसे पहले आप दो तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। कौन से दो तरीके से, या तो आप एलसीएम लेके कर लीजिए या आप इन्हें एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन में चेंज कर लीजिएगा, जैसे रेशियो में चेंज कर लें, या आप कहें तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में बदल लें, तो फिर उसके अकॉर्डिंग से आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, फिलहाल मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि सेक ए हो जाएगा प्लस टेन ए हो जाएगा। ओके और मैं इस वाली बात को लिख देता हूँ सेक ए, और डिनोमिनेटर में वन ले लेता हूँ, ठीक। मैंने क्या किया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया सेक ए प्लस टेन ए। ओके सेक ए प्लस टेन ए, जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वन मिलेगा माइनस, और यहाँ पर आएगा सेक ए और यहाँ पर होगा सेक ए माइन प्लस टेन ए। ओके ये वाली वैल्यू हो गई। अब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको एक सेक स्क्वायर ए माइन प्लस सेक ए और यहाँ पर टेन ए, ये वैल्यू मिल गई, क्लियर। यहाँ पर आपको मिला सेक ए प्लस टेन ए। अब आप देखिए आपको ऐसा कोई रेशियो अपनाना है जिससे आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मिल जाए। तो मैं जहाँ यहाँ पर जानता हूँ आपको क्या वैल्यू मिलेगी, कि देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है जो कि आपकी वन की आइडेंटिटी होती है। तो मैंने वो वन की जगह पर एक्सचेंज कर दिया है, ओके और मैंने वन की जगह उसे चेंज करने पर, एक्सचेंज करने पर मुझे जो वैल्यू मिली वो रहेगी सेक ए प्लस टेन ए। ओके देखें सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक से सेक जब कैंसिल आउट हो जाएगा आपका तो यहाँ पर टेन बचेगा, क्या बचेगा टेन। आप यहाँ से माइनस टेन कॉमन ले लीजिए, क्या माइनस टेन कॉमन ले लीजिए तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, देखें सॉरी यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन जब नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का साइन कॉमन लेने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टेन ए प्लस सेक ए। ओके और आपके डिनोमिनेटर में भी यही वैल्यू है, यानी कि सेक ए प्लस टेन ए। तो जब आप इसे देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस टेन ए। तो एक साइड सॉल्व करने पर आपको ये वैल्यू मिली, सेम अगर इसी साइड को आप करेंगे तो सेम है, बस माइनस प्लस का डिफरेंस है। आप भी इसे करेंगे तो आपको यहाँ पर भी सेकेंड साइड भी आपको क्या मिलेगी, टेन ए मिलेगी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस वन अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम लिया,
एलसीएम लेने पर आपको जो वैल्यू मिली वो क्या रहेगी, sec a माइनस टेन ए, ओके। और यहाँ हो जाएगा sec a माइन या ब्रैकेट में sec a माइनस टेन ए, ओके, माइनस वन। जब मैंने किया यहाँ पर क्या देखें, sec स्क्वेयर a माइनस sec a माइन और टेन ए, क्लियर। और जब मैंने किया यहाँ पर तो देखिए sec स्क्वेयर a हो गया और प्लस टेन स्क्वेयर a हो गया, ये हो जाएगा ठीक। sec स्क्वेयर a से sec स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी sec a माइनस टेन ए। अब आपको करना क्या है, यहाँ से tan a को कॉमन ले लेना है, यहाँ से माइनस टेन ए को कॉमन ले लेना है। जब आप माइनस टेन ए कॉमन लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या रहेगी, sec a माइनस टेन ए, ओके, और अपॉन में sec a माइनस टेन ए। इस वाले पार्ट से ये कैंसिल आउट होगा यानी कि माइनस टेन ए आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि RHS और LHS दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। RHS और LHS दोनों किस तरीके से हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49। और क्वेश्चन नंबर 49 को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड से। तो देख लेते हैं, इसमें करना ये है सबसे पहले आपको टेन स्क्वेयर ए प्लस कॉट स्क्वेयर ए और यहाँ पर प्लस टू कर देना है, इस वाली साइड को लिख देना है sec स्क्वेयर ए और यहाँ पर को sec स्क्वेयर ए, ओके, ये हो जाएगा। अब आपको करना ये है कि देखो ये a हो गया, ये b हो गया, यानी कि एक आइडेंटिटी से बना देना है tan a प्लस cot a, ठीक है, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर इसे मैं कह सकता हूँ, का होल स्क्वायर मैं इसे कह सकता हूँ। जब मैं इसे होल स्क्वायर कहूँगा तो आप देख लीजिए मुझे यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, sec स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a, ये वाली जो वैल्यू है इसे आप एक्सपेंड करेंगे sin a अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर। आपने ये किया, दोनों का एलसीएम लिया cos a sin a, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ये तो होता है सब वन, और जब वन होगा तो क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, क्योंकि वन अपॉन cos sec होता है, वन अपॉन sin जो होता है वो cosec होता है। तो ये हो गया sec a और यहाँ पर cosec a का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो आपकी है sec स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a, क्लियर, ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि RHS आपका आ चुका है। यहाँ पर मैंने LHS लिया नहीं था, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है, ये है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आराम से हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में करना क्या है आपको, सिंपल टेकिंग LHS, LHS जब आप लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसमें चेंज कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप करिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस वन में। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। इस वाली बात से यह वाली बात कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो रहेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट इज क्लियर। तो आपका क्वेश्चन आराम से हो गया, यहाँ पर आ गया आपका टेन स्क्वायर ए प्रूव्ड, RHS हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। 51 को भी आप आसानी से कर सकते हैं। आसानी से किस तरीके से कर सकते हैं देख लीजिए एक बार, इस वन को आप थोड़ी देर के लिए इधर ले लीजिए तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी कॉट स्क्वेयर थीटा अपॉन वन प्लस कुसेक थीटा, और कुसेक थीटा जो होगा वो बन लाना है हमें क्या, कुसेक थीटा माइनस वन, ये वाली बात करनी, यानी कि हमें ये दोनों वैल्यू बराबर दिखा देनी है कि ये दोनों पार्ट जो है हमारे इक्वल है। तो हमें क्या कर देना है, कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, तो ये हो जाएगा कुसेक थीटा माइनस वन और यहाँ पर हो जाएगा कुसेक थीटा वन प्लस कुसेक थीटा, ओके, ये वाली बात हो जाएगी। तो कॉट स्क्वेयर थीटा आप इसे लिख सकते हैं कुसेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, तो जो वैल्यू है वो दोनों पार्ट कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे कॉट स्क्वेयर थीटा। तो ये वाला वही क्वेश्चन आपका हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जब 52 की बात करेंगे तो हम इजी वे में अब हम आपको बता दें तो यहाँ से क्या करना है कि आपको कॉस थीटा कॉमन ले लेना है। कॉस थीटा जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी वन अपॉन कॉस कोसेक थीटा, सॉरी मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे कर दे रहा हूँ, कोसेक थीटा और प्लस वन, और एलसीएम भी ले लिया है मैंने तो यहाँ पर मिलेगा कोसेक थीटा माइनस वन, यानी कि मैंने एलसीएम ले लिया है तो देखिए इस वाली बात से यहाँ पर आएगा कोसेक थीटा माइनस वन प्लस कोसेक थीटा प्लस वन, ये आ गया और ब्रैकेट क्लोज्ड। कॉस थीटा बाहर ही रहेगा आपके पास, कॉस थीटा यहाँ ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कोसेक थीटा यानी माइनस से ये वाली बात कैंसिल आउट हो जाएगी तो ऊपर बचेगा टू कोसेक थीटा और नीचे जो बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो गया। ये तो सर कॉट होता है, अभी हम पढ़ के चुके हैं तो ये कॉट होता है तो टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं क्या कि कॉस थीटा इंटू टू वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये वैल्यू जो बचेगी वो किस तरीके से लिखी जाएगी वो लिख देते हैं। तो देखें यहाँ पर जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि टू कॉस थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। तो साइन से एक साइन कैंसिल आउट होगा और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट होगा, वो वैल्यू बचेगी वो रहेगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी को हम कहते हैं टू टेन थीटा। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 52 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा, सिंपली एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। आपको करना यह है, देख लेते हैं, इसे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में एक्सपेंड कर लेना है। डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए आपको करना यह है कि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देना है, यहाँ से कॉस कॉमन ले लेना है। जब आप कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा वन प्लस कॉस थीटा ऊपर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा यहाँ पर मिलेगा। इससे ये कैंसिल आउट हो जाए, सॉरी इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों पार्ट बचेंगे जो कि हमें कॉट देंगे। क्या देंगे? कॉट देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा और ये जो देगा वो हमें देगा कॉट थीटा देगा, ओके। ये रहेगा आपका RHS। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले टेन क्यू थीटा और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस ये हो गया। अभी आप इसे लिख सकते हैं कॉट क्यू थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, दोनों पार्ट मिल चुके हैं आपको। अब देखिए ये वाली बात को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस क्यू थीटा, और इसे लिख सकता हूँ वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस इसे लिख सकता हूँ कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा, और इस वाली बात को लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर वाले पार्ट से ये कैंसिल आउट होगा, इस वाले पार्ट से ये कैंसिल आउट होगा, ओके। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी और इसकी वैल्यू यहाँ पर। देख लेते हैं ऊपर जो पार्ट हमें मिला है वो मिलेगा क्या, साइन क्यू थीटा, ओके। नीचे जो पार्ट हमें मिला है वो मिलेगा कॉस थीटा, प्लस सेम यहाँ पर कॉस क्यू थीटा अपॉन आपको वैल्यू जो मिली वो रहेगी साइन थीटा। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा क्या, कॉस थीटा यहाँ मिलेगा साइन थीटा यहाँ मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखें कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, यहाँ साइन की पावर फोर थीटा आपको मिलेगा और यहाँ पर कॉस की पावर फोर थीटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अब आपको करना ये है कि इसे होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये अपनी तरफ से मैंने जोड़ दिया है और घटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर इतने वाले पार्ट को मुझे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये वाला। तो देखें ये वाला पार्ट मुझे जो है आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ये वाला, तो इस वजह से मैंने इसे लिख दिया है। तो अभी आप इसे सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, तो अब जब आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है तो आइडेंटिटी क्या बनेगी हमारी, यहाँ पर बनेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। यहाँ पर आपका जो पार्ट है वो ये है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये होता है वन, ये होता है वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ सिंगल बाई सिंगल के साथ, तो कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ हो जाएगा माइनस टू साइन थीटा और कॉस थीटा ये हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी स्क्वायर, तो कॉस थीटा और साइन थीटा यहाँ पर होंगे, तो साइन से साइन कैंसिल आउट होगा और कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा। और ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस टू साइन थीटा और कॉस थीटा, शायद हमें यही प्रूव करना था, यही आपका आरएचएस है, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको करना ये है कि यहाँ पर टी वन, देखिए टी वन की वैल्यू अगर देखें तो आपको मिलेगी क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे टी थ्री की वैल्यू आप देखेंगे तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा आपको मिल जाएगा, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे क्या टी फाइव की वैल्यू तो साइन फाइव थीटा मिल जाएगा प्लस कॉस फाइव थीटा मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आप टी सेवन की वैल्यू देखेंगे तो आपको मिलेगा साइन सेवन थीटा और प्लस कॉस सेवन थीटा। हम क्या करने वाले हैं, पहले एल एच एस को ले लेते हैं और एल एच एस में वैल्यू को रख देते हैं, यानी कि टी थ्री, यानी कि साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा माइनस साइन फाइव थीटा और माइनस कॉस फाइव थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू है। तो देखें आपने क्या किया, यहाँ से इन दोनों पार्टों से साइन कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो आपको जो वैल्यू मिली वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा मिला, ओके। प्लस यहाँ से आपने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, सॉरी भाई यहाँ पर आप क्यू कॉमन लीजिएगा, क्यू, यहाँ पर आपने क्यू कॉमन लिया तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी, ओके। यहाँ पर आपको वैल्यू मिली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखें ये तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस कॉस, ये साइन क्यू थीटा है भाई, कॉस क्यू थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई, अपॉन में साइन थीटा और यहां पर प्लस कॉस थीटा, ये इस तरीके से। अब आप देख पाएंगे यहां से मैं कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहां बचेगा साइन थीटा और प्लस यहां पर बचेगा कॉस थीटा, और जब ये वैल्यू हमारे पास होगी तो हम देख पाएंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली, तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेना है, तो दोनों का आंसर अगर इक्वल आ जाता है तो हम कह देंगे दोनों साइड किस तरीके से हैं कि इक्वल हैं, ओके। देखिए एल एच एस यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, आर एच एस में यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ, तो देखें टी फाइव यानी कि साइन फाइव थीटा प्लस कॉस फाइव थीटा माइनस साइन सेवन थीटा और माइनस कॉस सेवन थीटा अपॉन में साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा। देख लेते हैं साइन फाइव थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर वैल्यू जो मिली वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गई, प्लस यहाँ से मैंने कॉस फाइव थीटा कॉमन लिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गई, ओके।
और यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी वो रहेगी साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि साइन फाइव थीटा और यहाँ पर मिलेगा कॉस स्क्वेयर थीटा, यहाँ पर मिलेगा कॉस फाइव थीटा साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, साइन स्क्वेयर थीटा और कॉस स्क्वेयर थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ साइन क्यू थीटा बचेगा प्लस कॉस क्यू थीटा बचेगा। और यही वाली बात हमें लानी थी, यहाँ पर प्लस है भाई, प्लस है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाइए, तो ये रहेगा साइन क्यू थीटा और प्लस कॉस क्यू थीटा। देखें इस वाली बात से ये वाली बात पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, आपकी जो वैल्यू बचेगी वो रहेगी साइन स्क्वेयर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वेयर थीटा, यानी कि यही हमें लाना था और यही आर एच एस है हमारा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल है किसके, आर एच एस के। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 55 क्वेश्चंस जो कि 6.1 आर डी शर्मा के हैं। आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 6.1 से लिए गए थे और इनका सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अभी आपका पार्ट 5 आएगा जिसमें के आपके क्वेश्चंस होंगे 10 या 15 क्वेश्चन होंगे, लगभग इस एक्सरसाइज में 87 क्वेश्चन हैं, तो इनको अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो अगर आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं।